अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, लाइफ बिल्कुल मस्त चल रही है। अच्छा, मजे की बात यह है, मेरे साथ ये मौलवी बैठा है, इसने मुझे पहले अपोलोजाइज करना शुरू कर दिया कि मेरी वीडियो ना बनाना, और मैंने पहले इसकी वीडियो ही बनाना शुरू कर दी। अच्छा, सीन कुछ यूं है, आज हम लोग जा रहे हैं भावलपुर। एक मोबाइल है जो मैं 4 दिनों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। ये इन दोस्तों की मेहरबानी है कि मेरे साथ जा रहे हैं मेरा मोबाइल लेने के लिए। तो सीन कुछ यूं है, रेडमी नोट 10 प्रो लेना था, वो यहाँ से मिल नहीं रहा था। तो ओएलएक्स पे ऐड देखा, आज जाके वो भावलपुर से कहीं जाके मिल रहा है। तो हमारा नोट 10 प्रो के लिए क्रेज देखो कि हम लोग यहाँ से भावलपुर जा रहे हैं। तकरीबन यहाँ से कोई 150 किलोमीटर का फासला है हमारा। भावलपुर जा रहे हैं नोट 10 प्रो लेने। गाइस, शशके चेक करो हमारे फैंस की तो मैं। तो अब रास्ते की क्या रूटीन है आप लोगों को दिखाता हूँ। अंधेरा है, ये मैंने लाइट जलाई है, इस वजह से रोज मुंह काफी पीला पीला दिखाई दे रहा है। पता नहीं एडिटिंग में क्या सीन होगा, और मेरे ख्याल से ये खिड़की खुली हुई है तो हवा का शोर भी आ रहा होगा। तो मैं कहीं प्रॉपर रुक के कहीं पे कुछ खाने पीने गए, मौलवी ने कुछ खिला दिया तो ठीक है, नहीं खिलाया तो फिर खली वली। तो तुम लोगों को दिखा दूँ आगे क्या सीन है। ओके, अच्छा यार, सीन यूँ है, ये हमारे इलाके में ना पंप था, वो कैसे डना पोल पंप था, ये एस्कोल का। तो फिलहाल यहाँ से पेट्रोल डलवा रहे हैं, बाकी कहीं आगे से रास्ते में कैसे डलवाएंगे। मामा हजार है, हजार पूरा पूरा सेटिंग, कुछ यहाँ से डलवाएंगे बाकी आगे से डलवाएंगे। मुझे डाउट है कि यहाँ का पेट्रोल एवरेज सही दे या ना दे इसलिए। अच्छा यार, तुम लोग बैठे तो वैसे फ्री हो, क्या कर रहे हो? हाथ पाँव को चला दो, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, और अच्छा सा कमेंट भी कर दो है। अच्छा, वो सीन कुछ यूँ है, बाकी पेट्रोल यहाँ से डलवा रहे हैं, वो डल रहा है सामने बड़ी स्क्रीन पे, और मैंने कहा गाड़ी के शीशे को वाइपर लगवा लें, हालत देखो कैसी हो। आज से मैं एक और बंदे को उठाया था, वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया नहीं है। अब यहाँ से पेट्रोल डलवा रहे हैं, बाकी उम्मीद करता हूँ यहाँ का पेट्रोल अच्छा होगा। क्या है वाइपर? क्या है? ओडेक। लोग मजाक कर रहे थे, इनके पास वाइपर नहीं होगा, स्क्रीन साफ हो जाएगी यार, रास्ते में सब क्लियर तो नजर आएगा। अच्छा यार, अगर अभी तक तुम लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर दो, क्योंकि अब दोबारा मैं नहीं बोलने वाला, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा इधर। अच्छा जी, पेट्रोल आ गया हमारा 2000 का, अब हम यहाँ से निकलते हैं। ओके, अच्छा जी, एट द एंड हम लोग ये कोई लारी अड्डा नाम का कोई होटल है, वो पीछे पढ़ सकते हो आप लोग, यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ खाना वाना खाते हैं, भूख लगी हुई थी बड़े सुप्रीम टाइप की। मैंने मौलवी को कहा, मैंने कहा मौलवी खाना खिला यार, भूख के मारे आते हैं टखनों तक पहुँच गई हैं। तो अब यहाँ पे खाने का सीन है, बहुत लंबा सफ़र था यार, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा चलो पहले वॉशरूम अटेंड करते हैं, बाद में खाने का कोई सीन बनाते हैं, ठीक है। तो खाना खा के आए, खाते हुए भी आपको दिखाऊंगा कि क्या खाते हैं, पता नहीं क्या खिलाते हैं। मौलवी मौलवी को मैंने कहा खाना तू खिला, ठीक है। तो यार सफ़र कर करके ना बैंड बजी हुई है, चलो मैं आगे का सीन शेयर करता हूँ क्या हुआ। ये वैसे नज़ारा अच्छा है होटल। अच्छा यार, बाकी छोड़ो, माहौल चेक करो सारा, ये जो पूरा देसी माहौल का होटल है, चेक करो। मौसीकी का सामान पता नहीं बजता भी है या नहीं, हारमोनियम। अच्छा जी, ये कीकर का दरख्त है, ये ऊपर इस पर लाइटें लगी हुई हैं, ये इन्होंने एक व्हीलर रखा हुआ है, ये कोई पुराने ज़माने का रिक्शा है, और इसके ऊपर ये लाइटें लगी खड़ी हैं, और ये सामने वसीम मौलवी है। ये चक्कर से ये है जी मेन सामान, ये इनके ना सुराहियाँ नुमा कोई चीज़ें रखी हुई हैं, सुराही, ये मटकियाँ, ये चूल्हे पुराने ज़माने के, ये मटके,
ये घास काटने की मशीन और ये पुराने जमाने की कलहोटी जिसमें लोग पहले दाने सेव करके रखते थे। और यहाँ पे इन्होंने बैठने का सेटअप बनाया हुआ सारा। ये सीन है कुछ यहाँ का, ये सारा माहौल। वो आपको व्हील शील ये वो, ये आपको ये पीछे मेरे टोका मशीन, ये कलहोटी मलोटी, ये मटके, ये सब नज़र आ रहा होगा। मैं तो वैसे रैंडमली यहाँ पे रुका था, मुझे नहीं पता यहाँ माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है, बड़ा वीआईपी माहौल है यार। अच्छा और भी कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे, और भी कुछ है ठीक है ओके। अच्छा जी ये कुछ इस तरह का माहौल है, ये इन लोगों ने कोई पुराना एक स्कूटर खड़ा किया हुआ है, पता नहीं अंदर इन्होंने क्या ये भूल भुलैया टाइप कुछ बनाया हुआ है, अंदर घूमते जाओ पता नहीं क्या करते जाओ। ये देखो ये इन्होंने एक स्कूटर चलाया हुआ है, ऐसे पुरानी बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत कुछ है सकाफती। ये देखो तस्वीरें, निज़ाम बड़ा अच्छा वीआईपी बनाया हुआ प्रोटोकॉल वाला। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और कुछ खास हुआ तो। अच्छा यार सीन कुछ हुआ है, अंदर आके बैठे हैं, माहौल बड़ा वीआईपी है, लोगों को दिखाता हूँ ज़रा देखो मज़े लो। अंदर भी लारी अड्डा सब ट्रक, पूरा सराइकी कल्चर को ना प्रमोट करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ये मेरे दोस्त फैसल के अल्फाज थे, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। अच्छा जी ये गौर से देखो, ये ट्रकों के पीछे लिखे हुए शेर इन्होंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। वीडियो पॉज करके ना सारे गौर से पढ़ लेना। थोड़ा मैं वैसे वक्फा दे रहा हूँ इनको, देख मगर प्यार से ओके ओके। ये सामने इन्होंने ट्रक बनाया हुआ है, लारी अड्डा लिखा हुआ है और बाहर एक सुल्तान राय की तस्वीर लगाई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है बिल दे के जाई हुए। अच्छा भाई खाना आ गया, काफ़ी तकरीबन 40-45 मिनट इन्होंने वेट कराया। ये खाने की कंडीशन है देख सकते हो, हम सब खा रहे हैं, सब लगे हुए हैं और वीडियो का देख के सबके मुँह रुक गए हैं। अच्छा यार खाना खाया, कसम खुदा की सुकून आ गया, ऐसे पता चलता है अभी अभी पैदा हो रहा हूँ। प्लेटें साफ, बंदे ऐसे हुए बैठे एक्टिव। समझ नहीं आती खाना खाते हुए वीडियो सामने आए तो मुंह क्यों रुक जाता है बंदों का। अच्छा खैर पेट भर के खा लिया, अब यहाँ से निकलते हैं, नेक्स्ट आगे बताता हूँ क्या होता है, पता नहीं मोबाइल भी मिल पाएगा या नहीं जिसको ले जा रहे थे। यार खाना खा लिया, अब घर की तरफ निकल रहे हैं, सॉरी मोबाइल लेने के लिए निकल रहे हैं। पर बड़ा यार हिसाब किताब डाउन हो गया था, खाना नहीं खाया था तो सब ऐसे लेजीनेस हो गई थी अंदर सारी, और यूं सफ़र गुजर रहा। अच्छा यार फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, मोबाइल जिनसे लेना था मोबाइल ले लिया। ये जी हम लोगों की टीम चल रही है, डब्बा कितने भाई यूट्यूबर बात कर ले भाई से सलाम हुआ। अच्छा ये एसेट अपना ये उधर लाइट इट होगी एग्जैक्टली, आप लोगों को घर जाके देखें नोट 10 प्रो, तो इसके चक्रों में मैं इतना पूरा ना पड़ा, बाकी जो डिटेल्स मैं आपके साथ घर जाके शेयर करता हूँ। और बहुत थकी हूँ बैंड बज गई है। अच्छा भाई गाल सुने मेरे, AKN एंटरटेनमेंट आपका व्हाट्सएप नंबर है ना, मैं लिंक भेज दूँ। ओके ओके ब्लॉग बना रहा है ना,
तो भाई कहते हैं अपने चैनल का नाम बता दो। मैंने कहा अच्छा बता देता हूँ, ये पीछे भाई साहब बैठे हैं ये चादर वाले, पैसे दिए नहीं थे, कहते भाई ले लिया, कहते चलो इसने कहा चलो उन बंदों के साथ वही गले में ये टक कहा लेके जा रहे वैसे चलो मोबाइल ले लिया खैर खैरियत से। और कहीं हमारा कोई इरादा था अभी नूर महल जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने कहा है कि वो 10 बजे बंद हो जाते हैं, और अब हम लोगों को क्या टाइम हो गया, 11 बज गया, तो टाइम हमारा 1 घंटा ऊपर हो गया। अब हमारी घर की तरफ वापसी है, और मुझे यकीन है हमें तकरीबन 3 घंटे लगेंगे वापस पहुँचने में। ओके, अगर कुछ और हुआ तो बता दूँगा, वरना यहीं पर ही अल्लाह हाफिज़।